महादेव राधे राधे जी। मेरा दो प्रश्न है, एक बार आप लोग शांत हो जाए तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने राम राज्य के बारे में बात करा, राजा राम के बारे में आपने बोला, अयोध्या के बारे में बोला। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, जो पुरुषों में उत्तम। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। माता कैकेयी ने बोला 14 साल का वनवास चले जाओ, चले गए। भरत को राजगद्दी दे दो, उन्होंने स्वीकृति दे दी। उन्होंने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं करा, अपने बेटे होने का पूरा कर्तव्य निभाया। जब अग्नि परीक्षा दी गई थी सीता जी की, तब ये भी बताया गया था कि परछाई गई थी, माता सीता नहीं गई थी। ये बात नारायण को तो पता था, वो तो विष्णु थे, नारायण थे, उनसे क्या छुपा हुआ है, नारायण को पता था। धोबी के बात पे एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मैं ये स्वीकार करती हूँ। उस समय माता सीता का निकल जाना उस राज्य के लिए भला था, भलाई थी। लेकिन राजा राम को तो सब पता था, सोने की सीता बना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो उनके गुरुदेव थे, जिनके आश्रम में वो रहकर आई थी, जहाँ पे लवकुश हुए, वो लवकुश से उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको ये पता चल गया कि ये दो संतान जो है वो मेरी ही है, नारायण है, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो जब नारायण को सब पता है, नारायण सब जानते हैं, हनुमान जी साक्षात वहाँ पे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जानते हैं, उन्होंने आके अयोध्या में राम लीला राम राज्य सबका पूरा संपूर्ण व्यथा पूरा सुनाया, आ करके वाल्मीकि जी के कहने पर कि सीता निर्दोष है, सीता का कोई दोष नहीं है, भगवान ने उनसे दोबारा से ऐसा क्यों बोला कि आके तुम सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का स्वीकृति दूंगा। आई एम सॉरी, मुझे सीता जी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए थोड़ा सा लड़की हूं ना तो इमोशनल हो जाती हूँ उस फ्रंट पे। तो उत्तर दे दें आपके प्रश्न का। हाँ प्लीज। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ी है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब जितना पूरा पढ़ेंगे ना तो आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राम जी ने माता सीता को घर से निकाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, माना। फिर दोष किसका है? सीता माँ के वनवास में। सीता जी चली गई लक्ष्मण को बोल करके, चलो चलते, ये मुझे पता है। फिर बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम आकर के सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें पति स्वीकृति दूंगा। ना ना, आपका प्रश्न ही गलत है। तो आप सही करिए ना। पहला तो आप ये समझ लो कि सीता माँ स्वयं बोली थी राम जी से कि मुझे अपने बच्चों को जंगल में ऋषि मुनियों के पास जन्म देना है। जब सीता माँ गर्भवती हुई तो सीता माँ जब गर्भवती हुई तो राम जी को पता लगा, तो राम जी ने पूछा कि सीता तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या दूं तुम्हारी खुशी के लिए। तो सीता माँ ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को संतों के पास जन्म देना चाहती हूं ताकि संतों का वातावरण मिले तो मेरे बच्चों के अच्छी आए, संस्कार आए। ये माता सीता ने कहा, ये कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण। बिल्कुल लिखा है, मैंने तो पढ़ा। सीता माँ के वनवास जाने में इच्छा किसकी थी? सीता माता की। ये तो हो गया। अब जब सीता माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया तो जब अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी लेके आए और वहां पर सभा लगी और राम जी खड़े हुए, राम जी थे और वहां सीता माँ आई, और सीता माँ जब आई तो राम जी ने ये कहा कि सीता आप ये बताओ क्या ये मेरे पुत्र हैं, तुम मेरी पत्नी हो? ऐसा नहीं सवाल था, सवाल ये था कि क्या ये लवकुश कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं? अब कोई भी यहां बालक खड़ा होके कह दे कि मैं आपका बेटा हूं तो भाई उसकी अपनी पत्नी से ना पूछा जाएगा। तो राम जी ने सीता से पूछा कि क्या ये मेरे पुत्र हैं? तो वहां सीता माँ ने कहा, हाँ रघुनंदन ये मेरे पुत्र हैं, और मैं हे पृथ्वी माता यदि ये पुत्र राम के हों, हे आकाश हे देवताओं को साक्षी मानकर माता सीता ने कहा कि यदि ये दोनों पुत्र मेरे हों और राम के दोनों पुत्र हों, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श और चिंतन ना किया हो तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई। उस समय राम जी यदि लवकुश को स्वीकार कर लेते और सीता माँ से ना पूछते
तो आज सवाल खड़ा होता कि आपके पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या था? समाज पूछती, राम को सीता से संदेह नहीं था, राम को सीता माँ पर डाउट होता तो राम जी उसी दिन वनवास भेज देते जिस दिन रावण के घर से आए हैं, फिर गर्भवती क्यों हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि सीता माँ पर राम जी को कोई संदेह नहीं था, लव कुश पर भी डाउट नहीं था, पर एक बार पूछना जरूरी था, समाज को संदेह था, तो समाज के संदेह को क्लियर किया जी। इतनी सी बात पे क्या माता सीता अपनी माता को बुला करके वापस चली जाएंगी? क्योंकि वो लीला पूरी हो रही थी, आप समझो, राम जी आए थे अपनी लीला करने। राम जी धरती पर कितने वर्ष रहे बताओ? रहे उन्होंने अपने बाद अपने पिता 11,000 वर्ष तक, और जब सीता माँ धरती पर समाई उस समय राम जी के 11,000 वर्ष की लीला पूरी हो चुकी थी। अब वो लीला पूरी थी तो जाना था, वो लीला थी, उसके बाद पिता की दी हुई आयु दशरथ जी की थी, वो 2,000 वर्ष वो पूरी की। हाँ, ये मुझे पता है कि उन्होंने अपने पिता की, तभी काल आए थे और उनसे पूछा था कि अभी भी रुकना है कि फिर चले सोचो वापस। आप तो ये भी सवाल कर सकती हैं कि लक्ष्मण जी तो साथ में रहते थे, अंत में लक्ष्मण जी को भी त्याग दिया था राम जी ने। वो तो मुझे पता है, काल खुद ही, तो वो त्याग नहीं था, एक्चुअली वो लीला पूरी हो रही थी, वो एक बहाना था, वो सीता माँ का जाना भी एक बहाना था। मेरा एक और प्रश्न है, आई एम सॉरी अगर तो आप इस सवाल से संतुष्ट हुई। थोड़ा प्रश्न, थोड़ा पूरा क्यों नहीं, पूरा क्यों नहीं, मैं पूछूं? हाँ हाँ, ये मुझे मना कर रहे। ना अच्छा, अब इसमें संतुष्ट पूरी हुई कि नहीं, को क्या क्लियर करना, और क्लियर नहीं, करना? नहीं, और कुछ नहीं क्लियर करना। कृष्ण जन्म के पर आते माता यशोदा ने अपनी पुत्री खो करके कृष्ण को 14 साल तक पूरा प्यार दिया, ऐसा विवरण है कि वो माता कौशल्या का रूप था, जो 14 साल वो नहीं करी थी वो इस युग में उन्होंने पूरा कर दिया था। जब तक भगवान ग्वाल बाला कहलाते हैं तब तक वो माता यशोदा के लल्ला कहलाते हैं, जब वो द्वारकाधीश बने, जब वो राधा के से निकल के रुक्मणी के हो गए, जब वो द्वारिकाधीश बने, क्या कोई ऐसा पल आया जिसमें वो वृंदावन वापस जाके माता यशोदा और नंद बाबा से मिले हो? क्योंकि ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए जानना चाहती थी। भगवान कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। आपको लग रहा है कि भगवान ने अपनी गोपियों को, यशोदा को छोड़ दिया, छोड़ा ही नहीं, वृंदावनम परित्यज्य, भगवान ने एक पल के लिए भी कभी वृंदावन का परित्याग नहीं किया। इसके लिए मैं आपको एक वो कथा सुनाऊंगा छोटी सी, जो आपने कभी नहीं सुनी। हाँ। सुनी होती तो ये सवाल नहीं होता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए, आपको पता है यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। हाँ। तो एक कन्या को ही नहीं, साथ में एक लल्ला को भी जन्म दिया था। अच्छा, यशोदा माँ ने दो संतानें जन्म दी थी, एक थे कृष्ण, एक थी माया। वसुदेव जी जिनको लेकर आए वो भी कृष्ण। अब आप कहेंगे कि एक साथ दो, हाँ एक साथ परमात्मा ने दो माताओं के गर्भ से जन्म लिया था, देवकी और यशोदा। ये बात सुनने के लिए आप लिए रहो माइक, आप लिए रहो, ये बात सुनने के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। जब चित्रकूट में राम जी बैठे और कैकेयी माँ रोने लगी, तो राम जी ने कैकेयी माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हैं? बोले, मैं अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया। राम जी ने कहा, कर दिया माँ, गलती नहीं है आपकी। कैकेयी माँ ने कहा कि यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो एक वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। तो कैकेयी माँ ने बीच में एंट्री मार दी। उस समय राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि अगले जन्म में यशोदा का बेटा बनना है। फिर आनन फानन में राम जी ने ये वाला लीला इसको सेट की, इनको देवकी बनाया और देवकी के गर्भ से, माँ तेरा जन्म तो लूंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो भगवान को यशोदा माँ ने भी जन्म दिया था और देवकी माँ ने भी जन्म दिया। जब वसुदेव जी लाए तो वो दोनों के कन्हैया मिलकर एक हो गए, और जब भगवान यहाँ से गए तो देवकी के कन्हैया तो द्वारिकाधीश गए पर यशोदा के कन्हैया कहीं नहीं गए। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि कहीं नहीं गए तो गोपियां रोती क्यों हैं, यशोदा माँ रोती क्यों है कि मेरा कन्हैया? वो एक्चुअली
एक लीला थी ये बताने के लिए, जैसे भगवान राम रो रहे हैं, हे सीता रावण ले गया ना, हे सीता कहाँ हो, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। राम को पता नहीं था कि सीता रावण ले गया, रो क्यों रहे हैं, लीला थी। गोपियां क्यों रोई, इसलिए कि रोकर ये बता सकें कि दुनिया वालों भगवान को पाना हो तो मेरी तरह रोना पड़ेगा, रोना सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की। तो गोपियां हो, यशोदा माँ हो, ये परम आराध्य हैं, ईश्वर की परम भक्त हैं। और ये एक क्षण के लिए उद्धव जी को गोपियों ने अपने बगल में कृष्ण दिखाए थे, यशोदा के बगल में कृष्ण हैं, उनके आसपास हैं, केवल लीला थी। ये गूढ़ बातें हैं, आपने पूछी, हमने कथा में कई बार ये सब चीजें सुनाई हैं, पर ये रहस्य है, गूढ़ चीजें हैं। कृष्ण एक क्षण के लिए यहाँ से अलग नहीं गए, ना तब ना अब। क्या राधा और रुक्मणी एक ही थी? हाँ, देवी भागवत के अनुसार जो राधा थी वही रुक्मणी थी, वही राधा है वही रुक्मणी है, एक जरा सा भी अंतर नहीं।